सेयंस एक्ने स्कार्स हार्मोनल चेंजेस या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अपने फेस पे जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं उनका बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट और इजीएस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूं आज इस वीडियो में। और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में आपको दो फेस मास्क बनाना सिखाऊंगा जो 100% हर स्किन टाइप के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, केमिकल फ्री है और उसमें यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर पे ही बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। अब मेनली जब अपन अपने टीनेज इयर्स में होते हैं तो उस टाइम पे अपने ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स काफी ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट होने लग जाते हैं। फिर जब किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल्स या गंदगी अपने फेस पे पड़ती है और ऑयल की वजह से अपने फेस पे चिपकी रह जाती है, उसी वजह से अपने फेस पे काफी सारे पिंपल भी जनरेट होते हैं। अब फिर हर चीज की तरह जैसे अपनी कीड़ा करने की या खुरचनी करने की आदत है, अपन उन पिंपल्स को फोड़ने की कोशिश करते हैं। जब अपन उन पिंपल्स को फोड़ते हैं तो उन पिंपल्स के जो पोर्स होते हैं वो और भी बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर और भी ज्यादा गंदगी और डस्ट जमा हो जाती है। वो डस्ट और गंदगी इवेंचुअली लीड करती है बहुत बड़े बड़े और गंदे पिंपल्स को और फिर वो पिंपल के स्कार्स जो डार्क स्पॉट्स में कन्वर्ट होते हैं वो अपनी स्किन के अंदर बहुत अंदर तक पेनिट्रेटेड, बहुत अंदर तक घुसे हुए होते हैं और वो काफी ही ज्यादा मुश्किल होते हैं निकालने। तो सबसे पहला टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि आप कभी भी अपना पिंपल नहीं फोड़ें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है अवॉइड सनलाइट एट एनी कॉस्ट। आप अपने फेस पे जो डार्क स्पॉट पड़ गए हैं उसमें मेलेनिन की क्वांटिटी पहले से ही काफी ज्यादा होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो मेलेनिन अपनी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जो अपने स्किन और बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्योंकि डार्क स्पॉट अपने नॉर्मल स्किन के कलर से थोड़ा डार्कर होता है कलर में, इसका मतलब उसमें मेलेनिन की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा पाई जाती है। उसी चीज की वजह से जब अपन सनलाइट में जाते हैं और सन की यूवी रेज अपनी स्किन पे पड़ती है तो क्योंकि डार्क स्पॉट काफी डार्क कलर का है तो वो सन की यूवी रेज को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। इस वजह से क्या होता है कि वो और डार्कर होता जाता है कलर में। तो इसलिए आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी सनलाइट में जाएं, जब भी घर से बाहर जाएं, आप सनस्क्रीन लगा के ही निकलें। उसके अलावा आप अपने फेस को स्कार्फ, हेलमेट या गॉगल से भी जरूर प्रोटेक्ट करें। नंबर थर्ड, हैव प्रॉपर डाइट। डार्क स्पॉट के रिडक्शन के लिए अच्छी डाइट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको अपने हर मील में कुछ क्वांटिटी एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स की ऐड करनी ही है। ये सारे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स आपके डार्क स्पॉट रिडक्शन में काफी मदद करेंगे। ये सब आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर फोर्थ, डोंट अप्लाई केमिकल्स ऑन योर फेस। ये बहुत ही एक बड़ी डेडली मिस्टेक है जो अपन लोग करते हैं। सबसे पहले तो अपने फेस पे किसी भी तरीके का साबुन लगाना बंद करो और अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉशेस यूज करो। इसके साथ आप फालतू की जो फेयरनेस क्रीम्स हैं उनको भी यूज करना बंद करें क्योंकि वो भी आपके फेस पे उल्टा रिएक्ट कर सकती हैं। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में मैं आपको दो होममेड फेस पैक्स बता देता हूं। इन दोनों में से आप कोई भी एक फेस पैक अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, पर आप इन दोनों फेस पैक्स में से जो भी फेस पैक यूज करें उसको हफ्ते में 3 दिन यूज करना और 20-20 मिनट तक अपने फेस पे रखना। पहले फेस पैक के लिए आपको लेना है 2 चम्मच दही, 1.5 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच टमाटर का रस। इन तीनों चीजों को अच्छे से बाउल में मिक्स करके इसका थिक पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाएं। फिर जैसा मैंने आपको बताया 20 मिनट तक इसको अपने फेस पे रख के इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में रब करते हुए अपने फेस से रिमूव करें। चावल का आटा, दही और टमाटर के रस में बहुत अच्छी सन टैन प्रोटेक्टिंग और स्किन नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी वजह से ये आपके डार्क स्पॉट्स को काफी रिड्यूस कर देता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है। अपने सेकेंड फेस पैक में आपको चाहिए 2 चम्मच दही, 1.5 चम्मच बेसन और 1/4 चम्मच टर्मरिक या फिर हल्दी। इसको अगेन आपको 20 मिनट तक अपने फेस पे रखना है और अपने फेस को अच्छे से फिर धो लेना है। बेसन, हल्दी और दही की एंटी इंफ्लेमेटरी और इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी की वजह से ये फेस पैक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसके साथ एक और फेस मास्क अपने फेस पे रोज अप्लाई करें। इसमें या तो आपको आधा कटा हुआ आलू लेना है या फिर उसी आलू का पेस्ट बना के मिक्सी में उसको अपने फेस पे यूज करना है 2-3 ड्रॉप इन दोनों ही केसेस में नींबू डाल के। जो आधा कटा हुआ आलू आप लोगे उसमें आप चाकू से निशान मार देना और उसको थोड़ा बहुत स्क्वीज कर देना ताकि उसका रस बाहर आ जाए
और वो नींबू के साथ अच्छे से आपके फेस पे लग जाए। अब इसको जेंटली सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे लगाएं और इसको 10-15 मिनट तक के लिए अपने फेस पे छोड़ दें। अब क्योंकि आलू में बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा रिड्यूस करती है, जिस वजह से आपके जो डार्क स्पॉट हैं काफी लाइट हो जाएंगे और आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा और स्किन काफी टाइट भी हो जाएगी। ये मेथड डेली बेसिस पे आप अपने फेस पे अप्लाई करें, इनके रिजल्ट्स एक हफ्ते में ही पक्का आपके फेस पे दिखने लग जाएंगे। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत सही लगी होगी। आप मेरी कपड़ों की क्वालिटी चेक करने वाली वीडियो और स्टाइल विद कॉन्फिडेंस वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना यार।